लोगों गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो होने वाली बड़ी ज़बरदस्त, वो है पॉइंट ऑफ व्यू विद आजू काजमी मेजर गौरवारिया। देख लेते हैं मेजर गौरवारिया ने क्या कहा है, क्या है लास्ट पार्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स इन 2020 चैलेंजेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लास्ट पार्ट, लेट्स स्टार्ट। लेकिन मेजर साहब एक चीज़ मैंने वैसे ही देखा ट्विटर पे, किसी की वीडियो थी, वो कह रही थी कि ये लोग सीए की बात कर रहे थी वो, और कह रही थी कि कहते हैं जी हम इधर से भी हिंदूज को ले आएंगे, उस कंट्री से भी ले आएंगे, पाकिस्तान से भी ले आएंगे, सब जगह से, तो रखेंगे कहाँ। और वैलिड क्वेश्चन था, क्या भारत में पहले ही आबादी इतनी ज़्यादा है, आप समझते हैं कि अगर इधर उधर से पूरी दुनिया से हिंदूज आ जाएं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो आप लोग उनको रखने के काबिल हैं, उनको जॉब्स देने के काबिल हैं, या समझते हैं कि उनके लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं खाना पानी वो होगा। आरजू जी दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये जिन्होंने मुहतरमा थी जो आप कह रही हैं जिन्होंने बनाया वीडियो के उनको रखेंगे कहां पे, कितने बाकी हैं ये बताइए आप, कितने बाकी हैं? सब जगह पूरी दुनिया में, नहीं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। एनआरसी और जो हम सीए की बात करते हैं, एनआरसी छोड़ दीजिए, सीए की बात करते हैं, सीए तो सिर्फ अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर है, पूरी दुनिया का तो है ही नहीं। तो लोग कहते हैं हम सीआरसी, हाँ तो ये तो सिर्फ तीन मुल्कों का है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं और अप्लाई करते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। भाई इंडिया इज बेसिकली हिंदू कंट्री, पॉपुलेशन मोर देन 80% इज हिंदू। अरे पाकिस्तान में कोई हिंदू परेशान है तो कहाँ जाएगा वो, साउथ अफ्रीका थोड़ा ना जाएगा, या वो बोले जी मैं पोलैंड चला जाऊंगा, वो तो हिंदुस्तान की तरफ देखेगा, और क्यों ना देखे, उसका मुल्क है, उसका स्वागत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए हमारा इंटेंट है उनको वापस लाना, अगर वो वापस आना चाहें तो, बिकॉज दे हैव टू अप्लाई फॉर इट। और मैं कई लोगों से जब ये ना दिमाग से पैदल लोग होते हैं एक्चुअली आरजू जी, मैं तो इनको सीरियसली नहीं लेता ना ट्विटर पे इनको जवाब देता हूँ, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं पता है। पता नहीं कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए ये लोग जो ये लोग बात करते हैं। मैं एक किसी खास की नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। इनसे पूछिए आपने पढ़ा है सीएए का डॉक्यूमेंट, नहीं पढ़ा उन्होंने। हाँ। तो मतलब क्यों फिर क्यों बोलते हो, सुनी सुनाई बातें, क्यों अपने आप को जलील करवाते हो सबके सामने। सिर्फ ये बात कही है कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो हिंदू आएगा उसको हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे तीन मुल्कों में, क्योंकि ये तीनों मुल्क जो हैं दीज आर इस्लामिक रिपब्लिक्स, दीज आर नॉट सेक्युलर कंट्रीज बाय डेफिनेशन, ये तो इस्लामिक रिपब्लिक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों इस्लामिक रिपब्लिक हैं, वहां पे जो हिंदू हैं उनके साथ जातियां हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं अगर तुम आना चाहो, और वहां से अगर मुसलमान आना चाहे वो भी आ सकता है, उसको 11 साल लगेंगे, तुम्हें उसका आधा वक्त लगेगा, यही तो बोला है। यहाँ पे कुछ मुस्लिम खड़े हो गए कहने के लिए कि साहब ये तो गलत है, ये तो गलत। क्यों गलत है भाई, जब आपको इतने साल हज की सब्सिडी मिली तब वो गलत नहीं था, मुझे तो वैष्णो देवी जाने की सब्सिडी आज तक नहीं मिली, मुझे सरकार ने ये भी नहीं बोला कि यार एक ग्लास पानी है तुम पी लो, है ना। मुझे तो जोशीमठ, ये आपने बद्रीनाथ, मुझे तो साउथ में जो हमारे बड़े बड़े महान पुराने प्राचीन मंदिर हैं, मुझे तो कभी किसी ने एक रुपए नहीं दिया, लेकिन इस साल में इस मुल्क में 60-65 साल हज की सब्सिडी लगी थी। क्या आप जाइए, आपने कभी किसी सिख को बोला, आपने किसी सरदार को बोला कि तुम हरमंदर साहब चले जाओ, गोल्डन टेंपल अमृतसर, हम तुम्हें सब्सिडी दें? क्या सरदार लेते भी नहीं किसी का पैसा उनकी, यू विल नेवर फाइंड देम बेगिंग और कि हमें पैसा दे दो, ये सब सरदार करते ही हैं ये सब काम। लेकिन आपने कभी किसी को नहीं बोला, आपने बुद्धिस्ट को नहीं दिया, आपने जैन को नहीं दिया, आपने पारसीस को नहीं दिया, आपने किसी को नहीं दिया। आपकी 60-65 साल यहाँ पे हज की सब्सिडी चली, वो सही थी। अगर आपने हिंदुओं को डिस्काउंट दे दिया वो डिस्काउंट गलत हो गया साहब, उससे इस्लामोफोबिया हो गया, उससे हिंदुस्तान का सेक्युलर फैब्रिक खतरे में आ गया। हाँ। तो ये तो मुनाफ़कत है ना, डेमोक्रेसी है ये। ये बात है आरजू जी। मेजर साहब एक मेरे पास एक गेस्ट आए थे, मैं खैर उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन इंडियन गेस्ट थे, उन्होंने मुझे मतलब जैसे बात होती है हमारी शो से पहले या शो के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये सब बात करते हैं जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान क्यों बना, क्योंकि जब मुसलमान पाकिस्तान बनने से पहले
जब कोई मुसलमान पानी मांगता था तो ये ऊपर से पाइप से ऐसे पानी देते थे कि जैसे कोई ग्लास को टच ना करे और उनके बर्तन ना छुए, और इस तरह की बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि इंसल्ट की गई। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम्स ने सोचा कि हम एक अलग कंट्री बनाएं जहाँ पे हम जो है रिस्पेक्टफुली रह सकें। कहते ये चीज़ वो खुद भी इंडियन थे, मैं साफ बता दूँ। तो उन्होंने कहा कि जी कोई इंडियन पैनलिस्ट आपको ये बात नहीं करते, वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं जी बड़ी साजिश हो गई और ये हो गया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये सब जो भी आपके पैनलिस्ट थे झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो भी बंदा है वो झूठा है। ये जो छुआछूत की बीमारी है, ये तो एक टाइम पे हिंदुओं के साथ भी होती थी गांव में। हाँ ठीक है, ये तो हिंदुओं के साथ भी होती थी। और एक बात बताइए, ये मुस्लिम्स, मैं मजहब नहीं पूछूंगा जो आपके गस्त है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कम से कम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी तो आप कहते हैं कि आपने 800 साल हिंदुस्तान पर राज करा, 800 साल हिंदुस्तान में अकबर आजम, जिले लाही, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, नूरजहां, फलाने पता नहीं कितने कितने तो नाम हमें गिना दिया, एक गिलास पानी नहीं पी पाए आप। तो राजा थे, बादशाह थे भाई, एक गिलास पानी नहीं पी पाए। ये कोई है, ये तो बच्चों वाली बात है कि हमें पानी ऐसे पिलाते थे, वो ही नहीं बताएंगे। एक बात बताइए, कौन से पाकिस्तानी ने बता दिया कि गिलास से पानी नहीं पिलाते थे, ऐसे छूते थे? नहीं नहीं सर, वो उसकी बात कर रहे थे, पार्टीशन की बात कर रहे थे, 1947 की बात कर रहे थे। दूसरा वो इंडियन थे और वो हिंदू ही थे, वो मुस्लिम नहीं थे, किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रहा, ये ऐसे ये हाँ। ये नासूर हिंदुओं में ज्यादा है ये प्रॉब्लम, ये जो कैंसर है ना, ये कुछ लिबरल हिंदूज में ज्यादा इनका दिमाग खराब हो रखा है कि ऐसा होता था, ये नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। कौन नहीं बताएगा भाई? अच्छा, हम लोगों ने बात छुपा ली, आप लोग बता दो पाकिस्तानी मीडिया में। तो व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी क्या है? आप लोगों ने खुद पढ़ी है टू नेशन थ्योरी? जो मौलाना मौदूदी कौन थे? मौलाना मौदूदी जो पाकिस्तान के जिसको सो कॉल्ड गॉडफादर थे, मौलाना मौदूदी ने क्या बात बोली थी, आप वो डिस्कस करिए। मौलाना मौदूदी ने यह बोला था, मैं आपको बताता हूं क्यों है ये, इसलिए नहीं कि आपको छोटा समझते हैं या मुसलमानों को छोटा समझते हैं। बात यह थी कि एक जमाने में बहुत चेंज हो गई सोसाइटी, एक जमाने में हिंदूज वर लार्जली वेजिटेरियन। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे घर हैं जहां पे आप अंदर प्याज लहसुन नहीं डाल सकते। अभी भी ऐसे हिंदुस्तान में घर हैं जहां जो नॉनवेज खाता है उसके बर्तन अलग होते हैं, चाहे वो उनके खुद के घर का मेंबर हो। हिंदुस्तान गाय की पूजा करते हैं, आप कहते हैं मुसलमान है हम गाय खाएंगे फिर तुम पानी पिलाओ, ये नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, एज अ मुस्लिम मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, एक हम लोग टेस्ट करते हैं यहाँ पे आरजू जी, आपका और मेरा, ठीक है, मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम है, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं पानी पीता हूँ ग्लास से, और मैं कहता हूँ आरजू जी अब आप ग्लास से पानी पीजिए, लेकिन मैं अभी अभी सुअर खा के आया हूँ, आप जरा पानी पीजिए। अगर आप पानी पिएंगी तो मैं हाथ जोड़ के उस बंदे से माफी मांग लूंगा। अगर आपने कभी बोल दिया कि इस दुकान में सुअर मिलता है तो उस दुकान को तो पाकिस्तान में जला देंगे, मार देंगे बंदे को कि तूने बेचा कैसे यहाँ पे। यहाँ पे ग्लास के पीछे वो बंदा इमोशनल हो रहा है, पीछे में आके ये हो गया जी, ये हो गया, इसलिए पार्टीशन हुआ क्योंकि ग्लास में की कुछ बात तो सही है। पॉलिटिकल थिंग स्टेज्ड बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों ने पार्टीशन करवाया, राइट, कुछ ऐसे हालात हुए यहाँ पे, डायरेक्ट एक्शन दे, जिन्ना साहब ने कॉल करा, ठीक है, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ इंडिया में, कांग्रेस पार्टी अग्रीड टू पार्टीशन, दे सेड कि हाँ ठीक है होने दो, पार्टीशन हुआ, मारकाट हुई लोगों की दोनों तरफ, इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सिख भी मरे, सब सब लोग मरे इसमें पार्टीशन में, तो हमारे लोग भी मरे, आपके लोग भी मरे। ये सब ना इमोशनल बातें हैं और डिफैक्टो, यानी कि जिसको कहते हैं ना पोस्ट फैक्टो, सॉरी नॉट डिफैक्टो, पोस्ट फैक्टो, एक बार चीज हो गई फिर उसके जस्टिफिकेशन निकालना। मैं आपके साथ बदतमीजी कर दूं, ठीक है आरजू जी, और फिर उसके बाद मैं खुद को जस्टिफाई करूं कि जी मैंने तो इसलिए करा था क्योंकि आज से 3 साल पहले आरजू जी ने मुझे ऐसी बात बोली थी तो अभी तक मेरे दिल में है, तो इसलिए मैंने, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। यही चीज नहीं, ठीक है मेजर साहब का गुस्सा आ गया तो मैं मेजर साहब का मुंह ठीक करती हूँ। मेजर साहब बताइए, मेरा बुक शेल्फ कैसा लग रहा है पहले ये बताइए, बाकी सब छोड़े हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं। जबरदस्त आरजू जी, बुक शेल्फ बहुत जबरदस्त है, कुछ उर्दू की किताबें दिख रही है, मुझे तो आती नहीं उर्दू पढ़नी,
नहीं लेकिन इंग्लिश की लेकिन भी है, कुछ ये देखिए ना पीछे। वो जिन्ना साहब की यूथ की फोटोग्राफ है बिल्कुल। आपने और ये जसवंत सिंह साहब की बुक है, हो सकता है आपने पढ़ी हो, मैंने पार्टीशन। सुना है, मैं पढ़ नहीं पाया, बट वो चीज़ है। मगर ये शायरी की है, ऊपर मैं फैज अहमद फैज की बुक है और साथ मेरे फादर की पिक्चर है फैज अहमद फैज के साथ, क्योंकि आप कुछ शायरी वगैरह से भी ये थोड़ा शौक है, तो इसलिए मैंने कहा बताऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप इलाहाबाद से ताल्लुक रखती हैं? जी 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 इलाहाबाद और दिल्ली, क्योंकि क्यों है ना, बिल्कुल। आपके फादर के और माता पिता की फोटो है, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और मदर मेरी दिल्ली से और फादर इलाहाबाद। अब तो खैर मुझे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि इलाहाबाद ना कहें, और मैं वो जो नया नाम रखे वो अक्सर भूल जाती हूँ, प्रयागराज। प्रयागराज बिल्कुल वो सही। आरजू जी वो नया नाम नहीं है, वो एक्चुअली पुराना नाम है, इलाहाबाद नया नाम सही, मगर मैंने तो अब सुना है ना। ओरिजिनल नाम क्या था कि दिल्ली का भी नाम जो है ना इंद्रप्रस्थ है, और जो इस एरिया का, दिल्ली का एरिया, नॉट स्पेसिफिकली जिसको हम दिल्ली कहते हैं, बट इन एंड अराउंड दिल्ली, ये सब जो शहर हैं, ये बहुत पहले इंद्रप्रस्थ का जिक्र महाभारत में भी है, और अगर आप इलाहाबाद देखें वो भी बहुत प्राचीन शहर है, आज का नहीं बना इलाहाबाद, कई 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 मतलब हजारों साल पुराना है, और वहां पे पहले छोटा हुआ करता था, अब तो बहुत बड़ा हो गया इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का ओरिजिनल नाम प्रयाग है। तो जो मुगल बादशाह थे उन्होंने बोला कि नहीं प्रयाग नहीं होगा, कल से नाम इलाहाबाद होगा। तो योगी जी ने वही बोला कि नहीं कल इसका नाम प्रयाग होगा, बस दैट्स ऑल। उन्होंने बस वो कर दिया योगी जी ने, बस दैट्स ऑल, दोबारा दोबारा वही नाम लेकर आ गए। बिल्कुल सही, ये पुराना जी जी। मेजर साहब लास्ट में बस ये बताइए, न्यू ईयर का क्या प्लान है आपका? इंडिया में तो मेरे ख्याल है कि इस तरह से पार्टीज वगैरह की परमिशन नहीं होगी, कोरोना अभी भी काफी हद तक है। हिंदुस्तानियों ने पार्टी के लिए आज तक परमिशन नहीं मांगी वो खुद ही जुगाड़ उगाड़ कर लेंगे सब लोग अपना, पर ठीक है, लोग बाहर ना जाएं, घर वालों के साथ मनाएं, अच्छा है, सेफ रहें, थोड़ा भी वबा चल रही है कोरोना की, ये ठीक ठाक हो जाए फिर अगले साल मना लेंगे, क्या दिक्कत है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि नया साल बहुत अच्छा हो सबके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सामने जितनी जल्दी बंद किया ना, तो पीछे से मुझे लगता है पीछे से कॉलें आ रही होगी वैभव सिंह की, यार मेजर कहाँ है यार, कॉल कर दी यार, क्या हो गया तुम्हें। बाकी रही बात मेजर साहब की, कुछ बातें मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, कुछ बातें मैं इनकी कुछ बातों से ना, मैं इनके जस्ट एक स्टाइल है ना उस पर मुझे थोड़ा सा त्रास होता है यार, जिस तरह से बोलते हैं ना, और तुम तो ऐसे करते हो, इस तरह वाला वो वाला स्टाइल मुझे थोड़ा सा, आई एम श्योर आप लोगों को भी, अगर आपकी कंट्री को कोई ऐसे बोले ना, तुम इंडियन तो ऐसे हो, आई एम श्योर आप लोग भी थोड़ा सा हो गए यार, ये क्या बोल रहा है, इस तरह जब कहते हैं ना तुम पाकिस्तानी ऐसे ही हो, तुम पाकिस्तानी ये करते हो, ये चीज़ से मुझे थोड़ा सा ना एतराज़ होता है। बाकी मेजर साहब की बातें मैं सुनता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, इनकी बड़ी नॉलेज है इनके पास, और वो जो एक बंदा जब आर्मी में रह के आया, आर्मी की नॉलेज होती है उनको कि कैसे चलता है निज़ाम सारा। और बाकी इन्होंने जो बात की के भाईजान भूल गया मुझे, मैं बीच में ले आया था बातें, इन्होंने कुछ बड़ी अच्छी बातें की कि जैसे वो छुआछूत की बीमारी हाँ है, जात पा जात जो वो एक सिस्टम है ना, जो सबसे ऊपर ब्राह्मण है, सबसे नीचे शूद्रास हैं, आई थिंक वो सबसे नीचे हैं, केसरियाज सेकंड पे वेशवास हैं, वेशवास मुझे कंफर्म नहीं है, नाम नहीं कंफर्म, लेकिन ये ऑर्डर में सही चल रहा हूँ, सेकंड पे क्षत्रियाज हैं, थर्ड पे वेशवास हैं, शूद्रास हैं, जो शूद्रास हैं ना उनको वो समझते थे कि यार ये अगर आएंगे ना तो ये हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, को वो जो है ना वो बीमारी एक किस्म की है, क्योंकि थिंकिंग होती है कि ये बड़े वो होते हैं, गंदे होते हैं, और सेम यही चीज़ होती है कि हिंदू के साथ थोड़ा सा होता था, और ये जो मुसलमान ये होता है ना, ये चीज़ मुझे नहीं लगता इतनी होती होगी। पार्टीशन हुई, डेथ्स हुई, और ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हाँ आप पास्ट को अगर पीछे छोड़ के आ जाओ ना, और आप अगर बदले लेने पर आ जाओ, तो ये पाकिस्तानी है ना, इस 1947 में ना इसके बुज़ुर्गों ने ना हमारे बुज़ुर्गों को मारा था, हमने इसके साथ दोस्ती नहीं कर दी, ये वाली चीज़ बहुत गलत होती है कि तुम्हारे बाप ने ना मारा था तो तू भी उसी की तरह होगा, हमने तेरे से दोस्ती नहीं कर दी।
अब भाई उसके बाप का माल उसके बाप के साथ जाना, बेटे का माल बेटे के साथ जाना, ये चीज़ गलत हो जाती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुश्मनियाँ पड़ रही हैं। और ये कश्मीर का भी सेम इशू है यही वाला, कुछ नहीं कर सकते अब कश्मीर के लिए, क्या कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेजर साहब की और वीडियो हुई तो ज़रूर बताना, और बड़ी अच्छी बात है कि मेजर साहब ने, मैं आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स एंड अच्छी बातें थी यार। और बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, 1 2 3 दब देना।